हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया विषय लेके आए हैं आपके लिए, जो बकरियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो बकरियों में जो अफरा रोग होता है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। अगर रात में अफरा रोग आ जाए तो पशुपालक का आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अफरा का इलाज ना होने पर बकरी की मृत्यु हो सकती है, मर सकती है। तो आज मैं आपको ऐसा सिरप बताऊंगा जिसको आप इमरजेंसी में बकरी को रात में भी दिन में भी बिना डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, और नेट पे भी आप देख सकते हैं। तो आप बकरी को सिरप अफारा होने पर उस सिरप का यूज कैसे करें, और अफरा रोग किन कारणों से होता है, इसका कारण क्या है और इसके लक्षण क्या आते हैं और किन वजह से होता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। अब अगर बकरों की जानकारी के लिए आपको ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो बकरे की जो अफारा रोग जो होता है, एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती है। अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अहम कारण ये है, अगर बकरी की आपने डिवॉर्मिंग नहीं की है तो आप पहले सबसे पहले 1.5 से 2 महीने में आप बकरी की डिवॉर्मिंग जरूर करते रहना चाहिए। अगर डिवॉर्मिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप डिवॉर्मिंग की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि पेट के कीड़ों की समस्या होने की वजह से बकरी में भी अफरा रोग आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बकरी ज्यादा चटपटा खा लेती है, तब भी अफरा रोग होने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर बकरी ज्यादा खाना खा ले उसमें भी बहुत संभावना रहती है कि बकरी के पेट में अफारा आए। तो कम से कम जो मॉर्निंग में आप कितना ही खिला सकते हैं, और इवनिंग में आप ये ध्यान रखें बकरी को थोड़ा खाली पेट रखें, जिससे किसी प्रकार का पेट में अफारा ना आए। तो आप स्पेसिफिक ध्यान रखें। तो मैं आपको बताऊंगा अफरा रोग के लक्षण क्या होते हैं। अफरा रोग के लक्षण ये होते हैं कि जो सीधी कोख होती है, जिधर से पशु का दूध काढ़ा जाता है, उस उधर की तरफ जो पेट होता है उसमें अगर हाथ मारेंगे आप, उसमें ढबढब जैसी आवाज आने लगेंगी, तो समझ लेना आप अफारा है। और बकरी इसमें इस कंडीशन में बहुत ज्यादा असमर्थ हो जाती है सांस लेने में, बेचैन होने लगती है। अगर ज्यादा अफारा आ रहा है, सीरप से नहीं टूट रहा है, तो आप 16-14 नंबर की निडल लेके बकरी की कोख में भी मार सकते हैं, जिससे बकरी को आसानी मिल जाएगी। फिलहाल आप मैं बताऊंगा ब्लोटोसिल जो सिरप का यूज है अफरा रोग में, उसको आप कैसे करना चाहिए। अगर 25 से 30 किलो वेट की बकरी है या 20 से 25 किलो वेट की बकरी है, तो इसमें आप 20 ml इसकी डोज दे सकते हैं। फिर आधा घंटे बाद फिर आप इसको 20 ml फिर देना। ऐसे जैसे जैसे अफारा इसका कम होता रहेगा, आप आधा आधा घंटे के अंतराल में 5-5, 10-10 ml आप देते रहें, जिससे बकरी का अफरा जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दूसरे दिन अगर बकरी आपकी ठीक हो जाए तो उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करें, अगर डिवॉर्मिंग नहीं की है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पेट के कीड़ों की वजह से भी बार बार अफारा आने लगता है। तो आप इस इमरजेंसी सिरप का यूज जरूर रखें अपने अपने बाड़े में, इस सिरप का जरूर लाके रखें, क्योंकि रात में भी दिक्कत आ जाती है बकरी में अफरा रोग की। तो ब्लोटोसिल जो होता है, इसमें सिमेथिकोन होता है जो अफरा रोग में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। यह पेट में कब्ज, बकरी बार बार अंगड़ाई ले रही है या किसी प्रकार के लूज मोशन हो रहे हैं, बदबू हो रही है, इसमें भी बहुत अच्छा कारगर करता है। यह काफी अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। तो आप इस सिरप का जरूर यूज करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।